मतलब आप देख सकते हो 2 दिन लग गए हैं पूरे के पूरे पत्थर हटाने में, मतलब कितना वर्स रहा होगा ये लैंडस्लाइड। हम लोग सीधा लैंडस्लाइड के नीचे से कवरेज दे रहे हैं आपको, सीधा का सीधा रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से लाइव। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द नेक्स्ट डे। और अभी सुबह सुबह शालिनी जी आके बता के गई हैं कि 3 जगह और लैंडस्लाइड हो गई है, रात भर यहाँ पे बारिश होती रही और बहुत ही मौसम खराब था। रात को लाइट गई, मतलब सुबह 4 बजे नींद खुल गई, मच्छर काटने लग गए, बहुत ही बेकार हालत थी सबके सब जगह भर गए। फिर जैसे तैसे 6 बजे लाइट आई है कि 5 बजे से कुछ, तब सोए हैं जो सोए हैं 2-3 घंटा। और अब एक बैड न्यूज़ और मिली है कि एक्चुअली जहाँ पे हमने बाइक खड़ी करी थी और जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी वहाँ पे 800 मीटर 900 मीटर का डिफरेंस है, तो बीच में एक और लैंडस्लाइड हो गई। तो जब तक ये 3-4 लैंडस्लाइड खुलेंगे नहीं तब तक हम जा नहीं सकते। ब्लैक जीन्स है तो मतलब ब्लैक पैंट है तो कुछ अलग दे दो कलर। अच्छा ऐसा भी है, वो दुकान खोली मैंने। ये चीज इसलिए हो रही है क्योंकि मेरा लगेज वहीं पे पड़ा हुआ है और मेरे पास यही कुछ है पहनने को, तो भाई से मैं थोड़ा फेवर ले रहा हूँ, कपड़े उधार ले रहा हूँ। तो भाई के कुछ अलग प्लान्स थे अल्मोड़ा जाने के फिर घर जाने के, तो इनको इतनी टेंशन नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं है यार, लेकिन क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करके आया था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वी हैव टू बी पेशेंट इनफ, क्योंकि पैनिक करके कुछ होगा नहीं, सोच के कुछ होगा नहीं, ओवरथिंक करके कुछ होगा नहीं। तो जो मोमेंट है, जो टाइम है, उसको एंजॉय करो और जब भगवान ने चाहा रास्ता क्लियर, बाइक लेके चले जाएंगे बस। और क्या, ऐसे देखो तो मौसम कितना प्यारा लग रहा है, इधर भी बादल छाए हुए हैं उधर भी बादल छाए हुए हैं। और हम लोग जहाँ पे रुके हैं वो है तहसील का जो ऑफिस है उसके जस्ट बाजू में होटल कैलाश मानस, ये मेन रोड पे ही पड़ता है और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 1100 में एक रूम मिल गया था थोड़ा नेगोशिएट करने के बाद। तो अभी तो यहीं पे रुके हुए हैं, जैसा होगा आगे वैसा आपको अपडेट करते जाएंगे। ये सारे के सारे टैक्सीज जाते हैं यहाँ से आदि कैलाश यात्रा के लिए, आप लोग यहाँ से टैक्सी बुक कर सकते हो और ये सवारी भरने वाले कंसेप्ट पे जाते हैं, जब तक सवारी भरेगी नहीं तब तक ये लेके जाएंगे नहीं। वो जो पिंक कलर की बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, उसी के सामने तहसील का ऑफिस, और तहसील के ऑफिस से ही आदि कैलाश यात्रा, ओम पर्वत, ये सारे परमिट बनते हैं। तो धारचूला आपको रुकना ही पड़ता है परमिट बनाने के लिए। यहाँ पे आपको खाने पीने का ऑप्शंस इतना अच्छा तो नहीं मिलेगा, बाहर कोई इतने अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं हैं, सिंपल रेस्टोरेंट्स हैं, एक नपल चाल है जो कि सादा खाना चाउमीन मैगी वगैरह दे देंगे। बाकी होटल में आपको जो ऑर्डर करना है अलाकाटा सर्विस टाइप, जैसे हमने कल कढ़ाई पनीर और दाल वगैरह ऑर्डर करी थी, तो होटल्स में आपको मिल जाएंगे, लेकिन होटल्स भी बहुत कम है यहाँ पे। तो पहले से सोच कर रहिएगा कि एक रिमोट लोकेशन पे जा रहे हैं और धारचूला पे ही नेटवर्क आता है जियो एयरटेल का, धारचूला के आगे इट इज़ अ नो नेटवर्क जोन, आफ्टर 2-3 किलोमीटर्स धारचूला के आगे कोई नेटवर्क नहीं है। तो रूम दिखा देता हूँ मैं आपको, रूम कुछ ऐसा है नॉर्मल सिंपल सा, हमने कल एक एक्स्ट्रा मैट्रेस मंगा लिया था। तो अभी हम लोग पूछ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पता लगा सकें कि आगे रास्ता खुला है कि नहीं खुला है। तो मैडम फ़ोन करके पूछ रही है, टैक्सी वालों से पूछ रहे हैं, लेकिन एलागार्ड वाला अभी भी रास्ता नहीं खुला है। तो ना धारचूला से कोई आगे जा पा रहा है, ना धारचूला कोई आ पा रहा है उस साइड से। 2 से 4 जुलाई उत्तराखंड में रेड अलर्ट हो गया है, स्कूल्स बंद हो गए हैं, कृपया करके अभी मत आइए आदि कैलाश यात्रा। हाँ हाँ, जहाँ पे हमारे पत्थर पहले गिरे थे। 1-2 घंटे में कॉल करूँ भैया? ठीक है भैया। फिर से बारिश होने लग गई है और अभी जस्ट फोन करके पता किया है तो नहीं खुला रास्ता और आगे लैंडस्लाइड हो गई है, तो पता नहीं कब निकलेंगे यहाँ से, कुछ कह नहीं सकते। वो जॉनी लीवर देखा है? भूला 20 रुपए तो कुछ रात की बात भूला।
लास्ट की बात ये है कि लैंडस्लाइड में बाइक अटक गई। तो खुशखबरी मिली है ऐसी कि आधे पौन घंटे में रास्ता खुल जाएगा। तो हमारी शालिनी मैडम को खबर मिली कि एक घंटे में रास्ता खुल गया और फिर हम लोग भागे भागे आए नेपाल बॉर्डर से। मैं पीछे बैठ सकता हूँ भाई? जा रहे हैं दौड़ दौड़ के बना दूंगा। बैक एट द मेन लैंडस्लाइड एरिया और बस यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे और बाइक कलेक्ट करेंगे और वापस को बोलेंगे। नहीं नहीं ये पहले से शायद हो रखा था। वो देखो हमारे राकेश भाई साहब। तो यही वाला एरिया है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ पड़ा था। सेम वही सिचुएशन है जहाँ से हमने क्रॉस करके इधर आए थे। बस थोड़ी सी बेटर हो गई कि इस साइड पत्थर नहीं है, बाकी सेम वही सिचुएशन है। मतलब आप देख सकते हो दो दिन लग गए हैं पूरे के पूरे पत्थर हटाने में। मतलब कितना वर्स रहा होगा ये लैंडस्लाइड। हम लोग सीधा लैंडस्लाइड के नीचे से कवरेज दे रहे हैं आपको, सीधा का सीधा रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से लाइव। वो कैट की मशीन थोड़ी ख़राब हुई पड़ी है जो कि यहाँ से इतना पार करके यहाँ पे आई है, उसको चालू किया गया है। तो भाई साहब मैं करूँगा अब आज का व्लॉग स्टार्ट। अभी हम बाइक्स वापस लेने जा रहे हैं। अभी हम जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है उसके उस पार आ गए हैं जहाँ एक्चुअली हमारी बाइक खड़ी है, ठीक है। तो अभी हम वॉक करके आए हैं, बाकी तोड़फोड़ वाला रास्ता भाई ने आपको दिखा दिया होगा। बाइक लेने जा रहे हैं, यहाँ तक लाएंगे, फिर देखते हैं जैसे ही रास्ता खुलेगा उड़ते हुए निकलेंगे। लेकिन रास्ता खुलना चाहिए भाई, आज तो खुलना चाहिए, नहीं तो मतलब दो दिन और एक्सटेंड हो जाएगा। अभी भी सिर्फ 5 बज चुके हैं और 1 घंटा और अंधेरा हो जाएगा, उसके बाद हमें भी नहीं पता हमें क्या करना होगा। वही तो है, अनसर्टेन लाइफ, स्पॉन्टेनियस लाइफ। हमने बाइक कराई ना उसके 50 मीटर 5 कदम आगे बस सीधा पुल उड़ा दिया भाई पूरा। थैंक गॉड बाइक आर सेफ, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तो कल जो यहाँ रुके थे वो उन्होंने पुल के आसपास कैंप किया, आर्मी के कैंप्स में वो लोग रहे। एंड उस पुल के जस्ट 50 मीटर आगे एक और लैंडस्लाइड हुई जो कि बहुत ही भयंकर थी, खतरनाक एकदम। गुरुजी, गुरुजी मिल गए, महादेव। गाड़ी वाला किस्मत अच्छी थी उसकी, वो जस्ट रिवर्स लेके भागा और ये पूरा पूरा आया। ओ माँ की, ओ भाई साहब, पहुंच गए। बाइक ये रही हमारी, तो सामान लोड कर लिया है बाइक में और अभी आगे जाएंगे टूटे फूटे रास्ते से जहां तक लैंडस्लाइड हुई है वहां पे ले जाएंगे और वहीं वेट करेंगे। आज कोशिश करेंगे कि बाइक आगे धारचूला तक लेके जाएं। ओरिजिनल पॉइंट वेयर वी हॉल्टेड। निकल जाएगी बाइक पर ये हटे तो तब हम लोग लाए। तो रास्ता इन्होंने ऑलमोस्ट क्लियर कर ही दिया है और ये वापस ला रहे हैं। निकल गए रोड, फाइनली लगेज पैक कर दिया है, हेलमेट ये रहा और हमने लैंडस्लाइड मेन लैंडस्लाइड जोन पार कर लिया है। फाइनली धारचूला के पेट्रोल पंप पे पहुंच गए हैं, अब रिफ्यूल कराएंगे। तो धारचूला का ये लास्ट पेट्रोल पंप है, इसके आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो यहीं पे
टैंक फुल करा लिया है, आगे पिथौरागढ़ तक नापेंगे विच इज राउंड अबाउट 70 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। जितना भी बचता है 8 बजता है 9 बजता है, ऑलमोस्ट अभी बज चुके हैं 6:30, तो 9 तो आराम से बच जाएगा क्योंकि पहाड़ों वाला रास्ता है। तो अब सीधा मैं आपको पिथौरागढ़ पे मिलता हूँ। तो पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं लेकिन 8:20 हो रहा है और ऐसा पूरा रास्ता हो गया है, कुछ नहीं दिख रहा रास्ते में, फॉगी फॉगी हो गया रास्ता। और व्हाइट लाइन जो रास्ते में रहती है, व्हाइट लाइन उसको फॉलो करके मैं जा रहा हूँ। तो बस आई थिंक 20 किलोमीटर समथिंग रह गया होगा, तो बस उतना कवर करना है पिथौरागढ़, और आज पिथौरागढ़ कैसे भी करके पहुँचना है।